सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया। कल से मैं यहाँ पर हूँ, मुझे काफ़ी नई चीज़ देखने को मिली है, सुनने को मिली है, महसूस करने को मिली है। मुझे पता चला है चंद्रोदय मंदिर के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा 2020 तक जो पूरा हो जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उससे कई पहले ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है कि और अच्छा हार्ट है, अच्छा थॉट है। थॉट ये नहीं है कि हमें बस एक सबसे बड़ा मंदिर बनाना है, ये थॉट नहीं है। थॉट ये है कि हमें वृंदावन का जो नाम है पूरी दुनिया में फैलाना है, कि पीपल शुड नो इंडिया बाय वृंदावन। एंड हाउ इज़ दैट गोइंग टू हैपन? दैट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन वी हैव अ सिग्निफिकेंट प्लेस ऑल ओवर वर्ल्ड इन इंडिया इन वृंदावन, एंड दैट इज़ व्हाट चंद्रोदय मंदिर इज़ गोइंग टू बी। इसके पीछे का थॉट बहुत अच्छा है। साथ ही इसके साथ बच्चों को कनेक्ट करने के लिए एक थीम पार्क की स्थापना होगी, जिसमें बच्चे, जितने भी कृष्णा ने अपने लीलाएं की थी बचपन से लेके अपने बड़े होने तक, वो सारी लीलाएं बच्चे उसमें पार्ट ले सकेंगे, देख सकेंगे। और हम लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो हम अपने हीरोज़ अपने सुपरमैन को मानते हैं, बैटमैन को मानते हैं, स्पाइडरमैन को मानते हैं। सो बाय डूइंग दिस, कृष्णा इज़ गोइंग टू बिकम हीरो ऑफ आर चिल्ड्रन, ऑफ आर जनरेशन टू कम। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग थॉट, और मेरी तरफ से मैं जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ, मेरा समय या वट एवर, आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर इस्कॉन, फॉर चंद्रोदय मंदिर। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट ओनली एज एन एक्टर बट ऑल्सो एज अ पर्सन। वन पर्टिकुलर थिंग विच आई एम स्टिल कैरिंग ऑन विद मी एंड विच इज़ देयर इन माई हार्ट, एंड आई ट्राई टू ऑलवेज थिंक ओवर इट वेन एवर आई एम इन टू एनी सिचुएशन। There was this question in my mind all the time when I was playing Krishna's role, that why do we have Krishna smiling in every calendar, every image, whenever we see Krishna's portrait, there's always a little smile. So I used to ask this question to many people, my writers, directors, and everybody had their own interpretation. For some, they said it is a calendar image of Krishna. And some said it is because Krishna knows what is going to happen and that is why he's always smiling. So the answer what I got eventually while playing Krishna was that no matter what the situation in life is, you might be going through a lot of dull moments, sad moments, life may not be very happy, but still if you keep a smile on your face, the phase will go. So that is what I understood from the smile, and I think it is one of the biggest teaching in life. No matter what the situation is, just smile over it and it'll pass off.